22 फरवरी से शुरू हो रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव जो बब्या देव समागम के नाम से जाना जाता है, ये पहले से ही देवता समितियों के नाम पर खींचतानी शुरू हो गई है। एक दिन पहले नवगठित देव संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा सर्व देवता समिति पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए उपायुक्त मंडी को ज्ञापन दिया है तथा मांग उठाई थी कि ये समिति सभी देवी देवताओं को प्रतिनिधित्व नहीं करती है तथा इसके प्रधान लगातार 10वें कार्यकाल के लिए भी इस पर काबिज हो गए हैं, जो कि सरासर गलत है। 22 फरवरी से शुरू हो रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव जो बब्या देव समागम के नाम से जाना जाता है, पहले ही देवता समितियों के नाम पर खींचतानी शुरू हो गई है। एक दिन पहले नवगठित देव संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा सर्व देवता समिति पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए उपायुक्त मंडी को ज्ञापन दिया था तथा मांग उठाई थी कि ये समिति सभी देवी देवताओं को प्रतिनिधित्व नहीं करती है तथा इसके प्रधान लगातार 10वें कार्यालय के लिए भी इस पर काबिज हो गए हैं, जो गलत है। इसके जवाब में सर्व देवता समिति के प्रधान शिवपाल व अन्य पदाधिकारियों ने होटल राजमहल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके आरोप लगाया कि 1985 से सेवारत व देव संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही उनकी संस्था को कुछ शरारती तत्व झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। प्रधान ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पूरे संवैधानिक तरीके के लिए आम सभा की बैठक में जिले के चौहार चंकसिरा उत्तर साल सनौर बधार भल सराज बाली चौकी 70 के लगभग कारदारों की सर्वसहमति से हुए हैं। आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए देवी देवताओं का सहारा ले रहे हैं, मगर ये सहन नहीं होगा। सर्व देवता सेवा समिति के प्रधान ने कहा कि शिवरात्रि मेले में आने वाले देवी देवताओं के मान्यदेव ठहराव व अन्य सुविधाओं को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। मेले की शान ग्रामीण देवी देवताओं से है और देवी देवता सर्वोपरि है, इसमें कोई राजनीति नहीं घुसने दी जाएगी। देवी देवताओं की परंपराओं से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सभी कारदारों ने विरोध किया है, खंडन किया है, क्योंकि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ संस्था आगे आ रही है और देव समाज में खल डालने की कोशिश कर रही है। हमारी जो संस्था है, इसमें जो लांछन लाए जा रहे हैं, लांछन में भी जो पदाधिकारी चुने गए हैं या जो आम सभा का चुनाव हुआ है, उसकी प्रक्रिया ठीक नहीं है। चलने का जो देव समिति जो कार्य कर रही है, वो गलत कर रही है और ऐसे छोटे छोटे लांछन लाकर प्रशासन को और सरकार को गुमराह कर रही है। इसका समस्त हमारे कारदार खंडन कर रहे हैं। इसमें जितने भी पदाधिकारी हमारे आए हुए हैं, वो सब कोई चौहार के हैं, धर्म जिला के हैं, सनौर के हैं, बदार के हैं, उत्तर सड़ा के हैं और बल सराज के हैं, बाली चौकी के हैं। समस्त जितना भी हमारा देव समाज है, सब इकट्ठा हुआ तुमको से है। तो इसलिए इन सब ने इसका खंडन किया हुआ है कि देव समिति को जो लांछन आया वो गलत है। आम सभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारे 216 देवी देवता पुरस्कृत हैं। 216 में से हमारे 160-170 जो है कारदार हाजिर थे, उन्होंने सर्व समिति से चुनाव किया। चुनाव में हमारा झंडा था कि चुनाव जो हमारे पूर्ण हो चुके हैं, तो इसके बारे में आम सभा को हमने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के लिए डेट रखा जाए। तो आम सभा में सभी ने यह कहा कि हमारी चुनाव प्रक्रिया आज ही पूरी होगी, क्योंकि हमारा कोरम पूरा है, इसलिए हमें कोई डेट निश्चित नहीं करनी है। तो सर्व समिति से प्रधान का चुनाव और प्रधान को ही सभी कार्यकर्ता को चुनने के लिए स्वीकृति दी गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।